गाइस यार आप लोग कितनी सारी चॉकलेट भेजते हो, इतनी मत भेजा करो यार। वो छोटू इतनी सारी चॉकलेट खा के खराब हो गया है, तो अभी डॉक्टर उसे रिपेयर कर रहे हैं यार। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी मैं सोकर उठा हूँ, पूरी रात जाग कर मैं एडिटिंग कर रहा था। ओए साले, तो फिर मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? साले तू तो सो रहा था, पूरी रात जाग कर मैं एडिटिंग कर रहा था, झूठ बोलता है। गाइस ये एक वीडियो पिगू ने एडिट क्या कर दिया, वो खुद को मेरा एडिटर समझने लगा। छोड़ो इसे, अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तो सड़ो सड़ते है। तो गाइस ये देखो अभी मैं नहा रहा हूँ, और आप लोग सोच रहे हो गए कि मैं नहाने का ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरे हेटर कमेंट करते रहते हैं कि रेड क्रिमिनल नहाता नहीं है, इसलिए मैं नहाने का ब्लॉग बना रहा हूँ। और करके ब्लॉग में मेरा एक हेटर बोल रहा था कि मैं कपड़े पहन के क्यों नहाता हूँ। तो सुन मेरे भाई, मेरे को कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है, पर मैं तेरे को रिप्लाई जरूर दूंगा। वो क्या है ना, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मम्मी को मेरे कपड़े ना धोने पड़े ना, इसलिए मैं कपड़े पहन के नहाता हूँ। इससे क्या होता है, मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं और मैं भी नहा लेता हूँ। ओए बाबू, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? वो रेड क्रिमिनल है ना, वो रोज मेरे से व्लॉग एडिट करवाता है और ऊपर से मेरे को क्रेडिट भी नहीं देता है, बहुत बुरा है वो। हाँ बाबू सही कहा, वो वैसा ही है। और आपको पता है आज कौन सा डे है? कोई नहीं पता बाबू, कौन सा डे है? अरे बाबू आप फिर से भूल गए, आज मेरा हैप्पी बर्थडे डे है। कोई नहीं बाबू, मुझे याद है, मैं तो आज आपको सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाला हूँ। पीगू मेला पीगू, ये देखो ग्रैनीडा आ गए है। और कितनी बार बोलूं तुझे चुड़ैल ग्रेनी दा नहीं होता है। तो गाइस अभी मैं नहा धो के मस्त लहसुन के परोठे खा के आ गया हूँ, और आप सब लोग पूछते रहते हो ना कि मेरे क्रिमिनल भाई लोग कहाँ है, उसका जवाब मेरी मम्मी देगी। अरे मेरे सारे क्रिमिनल्स बेटे गए हैं कनाडा स्टडी करने, वो लोग 5 साल बाद स्टडी करके वापस आ जाएंगे। मम्मी कितना झूठ बोलोगी आप, ऑडियंस सब समझती है, वो कोई स्टडी फडी करने नहीं गए, उनका सिर्फ एक ही काम है व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना, बर्फ गिरती रहती है वैसे स्टेटस लगाते हैं। वो कनाडा सिर्फ रोला जमाने गए हैं, रोला जमाने। नहीं बेटा, उनको वहाँ स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बेचारे 5 टाइम जॉब भी करते हैं, मालूम है तुझे? 5 टाइम क्या, वो तो 1 टाइम भी जॉब नहीं करते, सिर्फ गोरी मैडम के साथ पार्टी करते रहते हैं, और फिर वो व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के मुझे आते हैं। नुबड़े जली ना, तेरी भी जली ना। ग्रेनी तुम तो मेरे ब्लॉग में आके फेमस हो गई, और ऊपर से मेरी ही इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। छोड़ो वो सब, एक बार वो दिखा दो कि तुम रात को सब लोगों को कैसे डराती हो। मैं नहीं दिखाऊंगी, चला जा नुबड़ी के। देखो ग्रेनी अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ, आपके लिए भीमल नहीं ले आऊंगा, बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे डराती हूँ लोगों को रात को, भीमल। ग्रेनी ये रोज आपको बोलता है कि आपके लिए बीमर ले आऊंगा, बीमर ले आऊंगा, पर ये कभी नहीं ले आता है। हाँ सही कहा बाबू मोसाई, ग्रेनी ये सिर्फ आपका यूज करता है कंटेंट के लिए। ये बहुत चालाक चिमकंडी है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। नहीं भैया ये बिल्कुल मेरे पे नहीं गया, मैं तो बचपन में बहुत बहुत चालाक चिमकंडी था, ये तो सिर्फ चालाक चिमकंडी है। हाँ सही कहा, सुन नुबड़े मैं भी मार्केट में चलूंगी तेरे साथ। तो गाइस अभी मैं इप्पू आदम शाशा और ग्रेनी मार्केट जा रहे हैं। ग्रेनी को लेके तो नहीं जाना था, पर वो पीछे आके बैठ गई। तो गाइस वो बहुत धूप पड़ रही थी, तो सोचा कुछ ठंडा पी ले, तो हम अभी यहाँ जूस पीने के लिए रुके हैं। तो गाइस ये रंगा भैया है, बहुत अच्छा जूस बनाते हैं, अगर आप कभी यहाँ आए तो इनका जूस जरूर ट्राई करना। वो देखो गाइस ये ग्रेनी सुप सुप के व्हाट्सएप में स्टेटस डाल रही थी, देखो कैसे शर्मा गई। कोई बात नहीं ग्रेनी, लगा दो स्टेटस समर वाइब्स ड्रिंकिंग जूस ट्रेंड। ओए चलो मेरी बाबू के लिए कोई अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट ले आता हूँ, जिसे देख के मेरा बाबू हैप्पी हैप्पी हो जाए। ओए एक सेकंड, ये क्या, ये तो मेरी बाबू है, और वो भी किसी गैर पिक के साथ। मेरे दोस्त रोज बोलते थे कि तेरी बाबू गोल्ड डिगर है, पर मैंने उनका विश्वास नहीं किया, मैं तो लुट गया, अब कोई वजह नहीं बची मेरी जिंदा रहने की। ओए बेवफा 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 निकली है तू। ओए तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं महाबट का पहाड़ पे, और हम घर की सारी चीजें राशन वगैरह यहीं से खरीदते हैं। गाइस आज फाइनली मैंने ग्रेनी को बीमर खरीद के दे दी है, इसलिए वो आज चुपचाप खड़ी है वहाँ, वरना तो वो हंगामा मचा देती। और सुनो वो बता देता हूँ, वो हेटर्स कमेंट करते हैं ना कि रेड क्रिमिनल ब्रश नहीं करता, हमारे घर की टूथपेस्ट खत्म हो गई थी, ये ग्रेनी साड़ी खा गई थी, इसलिए पेशर में यहाँ टूथपेस्ट खरीदने आया हूँ, कल से मैं ब्लॉग में आपको रेगुलर ब्रश करता हुआ दिखूंगा। ठीक है तो भैया बताइए कौन
कौन सी टूथपेस्ट दो, नमक वाली, मिर्च वाली, लहसुन वाली या बिमल वाली, सारे फ्लेवर्स है हमारे पास। अबे तू ही खा तेरी टूथपेस्ट, मैं क्या करूँगा। अरे पर तुम ही तो बता रहे थे कि तुम यहाँ स्पेशल टूथपेस्ट लेने आए हो। अबे चढ़ चढ़ सारे, वो तो मैं यू ही ब्लॉग में फ्लैक्स कर रहा था, क्रिमिनल्स कभी ब्रश नहीं करते, माइंड इट। अबे गजब आदमी है, ब्लॉग में बड़ी बड़ी फेंकता है। अबे सारे सुख करना, वरना मेरे हेटर्स फिर से ब्लॉग में कमेंट करने लगेंगे कि मैं ब्रश नहीं करता। तुम लोग घर पे जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तो गाइस अभी मैं, आदम, सासा और रिपू घर पे जा रहे हैं। ग्रेनी की कोई सुडेल बेस्ट फ्रेंड मिलने आ रही है, तो वो यही रुकेंगे। और सुनो ग्रेनी, असी सुडेल बन के रहना, कोई शैतानी मत करना। अबे चला जा नुबड़ी के, वरना बिमल थूक के मारूंगी। तो गाइस हम सोते हैं, ग्रेनी ने अभी बिमल खाई है, तो उनसे दूर ही रहना अच्छा है। सुन नुबड़े, मुझे वो बिमल फ्लेवर टूथपेस्ट दे। ठीक है ग्रेनी, 150 रुपए की एक है, पैसा दे दो और टूथपेस्ट ले लो। नुबड़े, तू एक इंसान हो के चुड़ैल से पैसा मांगता है, तू ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझे पैसा दूंगी। बीमा साला, एक टूथपेस्ट नहीं दे रहा था, मैंने पूरी दुकान उठा ली और ऊपर से मेरा 1 महीने का स्टॉक हो गया। वही लोग सच बोलते हैं, प्यारे धोखा है, अभी भी सुधर जा, मौका है। पता नहीं वही मेरे में क्या कमी रह गई जो मेरी बाबू उस सुअर के साथ चक्कर चलाने लगी। पीगू, क्या हुआ, तू तो आज डिस्प्रेशन में लग रहा है। और ग्रेनी क्या बताऊँ, मेरी बाबू ने मुझे धोखा दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे तो एक काम कर, तेरे बाबू के नए बाबू को उठा ले, फिर वो फिर से तेरी हो जाएगी। ओ यार ग्रेनी, सही कहा आपने तो मेरी आँख खोल दी, अभी मैं मेरे पंटरों को बोलकर मेरे बाबू के नए बाबू को उठा लेता हूँ। हेलो सुन बिल्ला, एक छोटा सा काम था। हाँ भाई बोलना, क्या काम करने का है भाई, तेरे लिए तो जान भी दे देंगे। ओए सुनना बिल्ला, वो कोई सुअर है जो मेरी बाबू के पीछे पड़ा है, उसे उठा ले। अरे हो जाएंगे ना भाई, हो जाएगा, टेंशन कई को लेता है, अभी उठा लेता है साले को। गाइस मुझे ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है, जो कि मैंने आपसे पहले भी की है। ये देखो गाइस कितनी सारी चॉकलेट्स है, ये सिर्फ 2 दिन की है, वो सब्सक्राइबर्स मिलने आते हैं ना, चॉकलेट देके जाते हैं। ये देखो गाइस, मैंने इसमें से एक थोड़ी सी खा ली है, मैं कंट्रोल करता हूँ पर हिप्पू और सोटू नहीं कर पाते। और गाइस ये तो वो चॉकलेट है जो सिर्फ मुझे मिली है, सोटू को, आदम सासा को, हिप्पू को, उन्हें मिली है वो तो अलग। रुको मैं आप सबको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस कितनी सारी चॉकलेट है, कितनी सारी। और गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि कहीं सोटू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वो बात ये है कि इतनी सारी चॉकलेट खा के वो खराब हो गया है, तो उसे ना हमने डॉक्टर के पास भेजा है रिपेयर करवाने के लिए। रे बेटा तन्ने दर्द तो ना हो रिया ना। नहीं डॉक्टर, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, प्लीज कंटिन्यू। हेलो बाबू, कुछ गुंडे मेरे कजिन को उठा के ले गए हैं, प्लीज उसे वापस ला दो। ओए क्या बात कर रही हो बाबू, वो काला सुअर तुम्हारा कजिन था क्या? हाँ बाबू, वो बाहर गांव से आया है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ओए बाबू आप टेंशन मत लो, वो 1 घंटे में वापस घर लौट आएगा, बाय, लव यू। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये ज्यादा बक बक मत करो, वरना यहीं चुंटे मार दूंगा तेरे को। हाँ सही कहा बिड़ू, यहीं खोपड़ी खाली कर देगा। और ये अभी कौन कॉल कर रहा है? अरे ये तो अपना पीगू भाई है। हाँ बोल पीगू भाई। ओए सुन बिल्ला, उस काले सुअर को छोड़ दे, वो मेरे बाबू का कजिन है। ठीक है छोड़ देता है ना भाई, टेंशन कई को लेता है, अभी छोड़ देता है। तो गाइस आप जब भी मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए चॉकलेट गिफ्ट या कुछ लाया मत करो, ऐसा मत सोचो कि मुझे बुरा लगे अगर आप खाली हाथ आओगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। और ये देखो मेरे पास कितनी सारी चॉकलेट है, इनका मैं क्या करूँ। एक काम करता हूँ, इन सब चॉकलेट्स को बेच लेता हूँ। नहीं नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, इन्हें थोड़ी बेच सकता हूँ, ये तो आप सब लोगों का प्यार है। मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बाय। चलो चॉकलेट ले लो, चॉकलेट बाजार से आधे दाम में मिलेगी, बिल्कुल इम्पोर्टेड माल है। ओ आंटी अपने बच्चे के लिए ले लो, खुश हो जाएगा।